खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। नीमच के रहने वाले किसान जगदीश पालीवाल इंदौर जन सुनवाई में पहुंचे और अपना पीड़ा व्यक्त करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को बताया कि उनकी करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने वाले भूमाफिया गिरीश मतलानी और उसके साथियों के द्वारा उनके और उनके साथियों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई जा रही है। वहीं उनके द्वारा की गई शिकायत पर अब तक जांच ही चल रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यह है पीड़ित किसान जगदीश प्रसाद पालीवाल, जो अपनी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन की लड़ाई लड़ते परेशान हो गए हैं। इंदौर DIG ऑफिस जन सुनवाई में वह अपनी पीड़ा लेकर एक बार फिर पहुंचे। जगदीश पालीवाल ने यहां अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि होटल वाव जिस जमीन पर बनी है उस जमीन की FIR EOW में दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके साथ ही उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग और धमकाने की शिकायत मुख्य आरोपी गिरीश मतलानी सहित अन्य के खिलाफ विजयनगर पुलिस में की गई, जिस पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन अब तक गिरीश मतलानी सहित अन्य आरोपी फरार हैं। आरोपियों ने किसान और उनके सहयोगियों के विरुद्ध गोविंदपुरा थाना भोपाल में एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था, जिसकी विवेचना में हमारे द्वारा इनकी संचालित गैंग के खिलाफ पूर्ण सबूत देने पर प्रकरण झूठा पाया गया और गोविंदपुरा भोपाल खारिजी की गयी थी। इसके साथ ही झूठे प्रकरणों में इनकी गैंग जो भोपाल में यावर खान के द्वारा संचालित की जाती है, उनके द्वारा एक पुनः झूठा परिवाद माननीय न्यायालय भोपाल में वंदना नाहटा के द्वारा प्रस्तुत करवाया गया, जिसमें झूठा प्रकरण मेरे मित्र निखिल अग्रवाल एवं जाहिद के नाम दर्ज किया गया। सर, ये मेरा एक प्लाट था होटल का, जो मेरे फर्जी कागजों के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से कुछ लोगों ने हत्या लिया। ये स्किप नंबर 54 का PU3 का प्लाट है, वो इन लोगों ने हत्या लिया। उसको गिरीश मतलानी और किशोर वाधवानी परिवार, ये लोग इन लोगों ने हत्या के उस पर कूटरचित दस्तावेजों से उसके ऊपर होटल का निर्माण कर लिया। मेरे द्वारा आवेदन देने और शिकायत करने पर, मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर EOW द्वारा शिकायत करने पर इन लोगों ने मुझे डराना धमकाना शुरू करा। जीतू सोनी के द्वारा इन्होंने मुझे धमकवाया, उनके पेपर में मेरे खिलाफ छपवाया। उसके बाद इन्होंने फिर भोपाल में हमारे खिलाफ 3 झूठे प्रकरण दर्ज करवा कर 3 झूठे प्रकरण दर्ज करवाए भोपाल, जिसके अंदर एक में खारिजी कट गई और खारिजी हमारे पास है, दूसरे की खारिजी आने वाली है और तीसरे की खारिजी होने वाली है। तीनों झूठे प्रकरण पाए गए और सबूतों के आधार पर वो खारिज किए गए। उसके बावजूद हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनकी के बारे में कोई आज तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। साहब ने बोला है कि हम दिखवाते हैं, हमेशा आश्वासन, 3 माह से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में आए हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। अब आप, हम सब देखेंगे कि क्या होता है इसका परिणाम। जो पीड़ित मिस्टर जगदीश आए थे, तो उनके द्वारा पूर्व में विजयनगर में प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है और प्रथम सूचना के अनुरूप विवेचना चल रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि उनके ऊपर भोपाल में कुछ प्रकरण वैमनस्यता से पंजीकृत कराए गए हैं। तो यद्यपि वो जानकारी भोपाल से हम प्राप्त करेंगे कि वो वैमनस्यता है या कोई घटनाक्रम है या कोई उसमें अन्य किसी प्रकार का दुराभास या षड्यंत्र है, तो इसकी जांच हम करेंगे। हाँ, अपराधी जो फरार हैं उनकी आगे की विधिक कार्रवाई हम पूर्ण करते हैं, जो प्रक्रिया में दर्ज है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तदनुसार उनकी गंभीरता बढ़ती जाती है और फिर उनको कानून के अनुरूप उतनी परेशानी भी भोगनी पड़ती है। इंदौर से यशवंत पंवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।